नमस्कार, टाइम 24 बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं शाहिद रजा। इस वक्त की एक खबर सामने आ रही है, नानपुर थाना क्षेत्र के जो हनुमान नगर है वहां से एक पंडौल बुजुर्ग पंचायत से एक खबर सामने आ रही है। यहां बच्चा चोर के शक में एक महिला को लोगों ने पकड़ लिया। जी हां, यह खबर आप सुनकर चौंक रहे होंगे। अगर आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे अगर नौनिहाल हैं, तो होशियार हो जाइए, चूँकि आपके बच्चे को कब कौन बच्चा चोर उठा कर लेके जाए पता नहीं। अब ये मैं जो कह रहा हूँ शायद आपको उठपटा लग रहा होगा। महज दो दिन पहले भोजपुर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया था और दो बच्चे को बच्चा चोर चुरा कर लेके गया हुआ था, जिसे सकुशल बरामद कर लिया और साथ में तीन महिला सहित कुल पांच लोगों को भोजपुर पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था और पूछताछ के बाद बड़ा खुलासा हुआ था। और उन लोगों का जो कहना था कि हम बच्चा चोरी करके लेके जाते हैं और जिसके पास संतान नहीं होता है उसे महंगे रेटों में बेच देते हैं, लेकिन यहाँ जो मामला सामने आया है, जो ग्रामीण है उन्होंने जो एक महिला को दबोचा है, स्थानीय लोगों का कहना है कि उसके साथ दो तीन और मोटरसाइकिल सवार भी थे, लेकिन जब गांव के लोग थोड़ा सा एक्टिव हुए तो मोटरसाइकिल सवार जो है वो इस महिला को छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद जो स्थानीय लोग हैं वो नानपुर थाने को इसकी सूचना दी और नानपुर थाने की पुलिस यहाँ आकर कर पूरी जाँच पड़ताल कर रही है, तफ्तीश कर रही है कि आखिर जो स्थानीय लोगों ने बात बताया है उसमें कितनी सच्चाई है। तो इस वक्त मैं सीतामढ़ी जिला के नानपुर थाना क्षेत्र के पंडौल बुजुर्ग पंचायत के हनुमान नगर गांव में हूं मैं, और यहां एक बच्चा चोरी का इल्ज़ाम लगा कर करके एक महिला को ग्रामीणों ने पकड़ा है। देखने से वो महिला कभी अपना नाम मिथिलेश देवी बता रही है और अपने पति का नाम हरिशंकर सहनी हरिचंदर सहनी बता रही है और बता रही है कि मैं मुजफ्फरपुर जिला के औराई थाना क्षेत्र की रहने वाली हूँ। अब हालांकि जो यहाँ के स्थानीय लोग ने उसके गांव में फ़ोन कर करके जो जिस गांव का नाम वो बता रही है वहाँ जब पता किया है तो पता चला कि जो नाम बता रही है उस नाम का यहाँ कोई शख्स है ही नहीं। ये तो जांच का विषय है कि ये महिला है तो कहाँ की है और ये यहाँ जो आई थी वो किस लिए आई थी। हालांकि देखने में शायद ये भी लग रहा है कि इसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ा लग रहा है, लेकिन ये जांच का विषय बन रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर लगातार जो बच्चा चोर गिरोह जो है वो सक्रिय हो गए हैं। मैं फिर से आपको बता दूँ कि भोजपुर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया था और ये जो बच्चा चोर के शक में लोगों ने पकड़ा है और साथ में इसके साथ जो आदमी तीन था वो भागा है, इसके ऊपर गांव वालों का शक कुछ और ज्यादा बढ़ गया है। तो ये सीधी तस्वीर आपको हम नानपुर थाना क्षेत्र से दिखा रहे हैं। यहाँ स्थानीय सरपंच है जो नानपुर थाना के एएसआई विधि प्रसाद, यहाँ जांच पड़ताल के लिए आए हुए हैं। तो जांच पड़ताल चल रही है, जांच पड़ताल के बाद खुलासा हो पाएगा कि जो ग्रामीण इल्जाम लगा रहे हैं उनके बातों में कितनी सच्चाई है। स्थानीय सरपंच है, उनसे बात करेंगे और जो महिला उससे भी बात कर करके देख रहे हैं कि ये महिला क्या बता रही है। इसके बात में तो बहुत सारा संदेहात्मक बात है, कभी कुछ बोलती है कभी कुछ बोलती है ना, अपने शौहर का नाम भी कभी सही बोलती है कभी गलत बोलती है, हंस हंस करके बात करती है, अपने परिवार का कभी दुख पिशाच की बात बोलती है। तो इस हाल में तो हमारे थाना के पदाधिकारी आए हैं, उनके स्तर से जैसा उचित इसके विषय में समझें छानबीन करके इसको जो है ना, इसके घर गंतव्य स्थान है इसका, वहाँ छोड़वा देने का हम लोग आग्रह करेंगे। कहाँ बता रही है अपना गाँव? ये तो बता रही है पिस्ता गांव है, थाना और आई उसका पड़ता है, जिला मुजफ्फरपुर पड़ता है ना। देखने से क्या लग रही है? देखने से तो क्या लग रही है, क्या कहा जा सकता है इसके लिए, कभी बातचीत से तो कोई ठिकाना की बात तो बोल नहीं रही है, कभी कुछ बोल रही है कभी कुछ बोल रही है। जानकारी मिली कि इसके साथ दो तीन मर्द भी था? हाँ, जानकारी तो हुआ, इस ग्राम के लोग बोले हैं कि दो तीन मर्द भी था, एक मोटरसाइकिल पर आगे पीछे करके एक लड़का को भी लोग देखा है जाते हुए, जो हेमलेट लगाए हुआ था। अच्छा। जो हेमलेट से उसका चेहरा पहचान में नहीं आया, फोटो लेकिन खींचा मेरे पास आया। हाँ, फोटो खींच करके आप सब लोगों को बताया, हमको भी बताया, गाड़ी जिस गाड़ी पर था वो उसका नंबर प्लेट नहीं था। घर कहाँ? घर बिस्ता। जिला मुजफ्फरपुर। थाना और राय। तो इधर किस लिए आई हैं आप?
इधर क्या करने आई है? नाम क्या? नाम नाम हरिचंदर सहनी। हरिचंदर सहनी घर वाला के नाम है हरिचंदर सहनी। तुम्हारा नाम क्या है? मिथिलेश देव। बच्चे अच्छे है तुम्हारे पास? ना बच्चे अच्छे नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि बच्चा चुराने के लिए आप आई हुई थी। फसवाई है बुझली। अच्छा तुम्हारे साथ जो और आदमी सब था वो कहाँ है? और आदमी सब कहाँ है तुम्हारे साथ जो था? हमरा हाँ साथ हमारे भाई रोले ग्वार तब पहुँचा गाछी में कहकर चल छोड़ दिय काम कर के खाई देखा दिली वो देश काम करे छे खाई छे भट्ठा में आ खेती में मौगी सब आ बुढ़वा सब तो हम नहीं उतरलिए। हम कहे कि आई तर उतर गए जा पिछताए लगलिए उतर जा देश बनिया है गाछी वृक्ष के रहे वाला बाँस सब है आ अनपाती उखरनी पुखरनी हो करब आई तर खाब अकेला रह बाल बच्चा के छोड़ दिलिए चार गो है तो नहीं दिए गोली पिया। फिर कह रहे हैं कि बच्चा है ना? बच्चा ना है।